मुजफ्फरपुर के राव तुलाराम हॉस्पिटल में महायज्ञ और श्रद्धांजलि देकर शहीदी दिवस मनाया गया और हॉस्पिटल में इलाज करा रहे लोगों को फ्रूट वितरित किए गए। महावृक्षारोपण अभियान चला रहे समाज सेवी विनीत यादव के काम की सराहना की गई। वहीं विनीत यादव ने बताया कि महानायक अमर शहीद राव तुलाराम की शहादत पर हरियाणा वीर व शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राव तुलाराम ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध मोर्चा संभालते हुए संघर्ष किया और आजादी की आवाज को बुलंद करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम के संघर्ष को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी क्षेत्र का युवा वर्ग देश सेवा में अवसर के लिए तत्पर ही नहीं रहता है, बल्कि देश सेवा का मौका मिलने पर स्वयं को गौरवान्वित भी महसूस करता है। जी, आज का ये कार्यक्रम मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल में किया गया है। आज शहीद तुलाराम जी का 161वां शहीदी दिवस है। आज के दिन को हम खास इस तरीके से मनाते हैं, हम एक हवन का आयोजन रखते हैं और जो यहाँ की कमेटी टीम है, मेरे साथ में खड़े हैं चाचा प्रमोद, ये और इनकी टीम हर साल इस कार्यक्रम को इसी तरीके से संचालित करती है। इसमें युवा शक्ति, आसपास के बुजुर्ग सब बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। हमारे पूर्वज कौन थे, उनके आदर्श कैसे थे, उनके उसूल क्या थे, उन्होंने देश के लिए क्या बलिदान दिया, इन सब की हम यहाँ चर्चा करते हैं, उनके अच्छे विचारों को सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि हम अपने जीवन में एक सार्थकता ला सकें। तो हमारी समिति का, हमारे विनीत भाई का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है और मैं दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब हम इनके पास इनकी बैठक में निमंत्रण लेके गए थे तो इन्होंने एक ही शब्द बोला था कि चाचा जी, हम आपके बच्चे हैं, जैसे आप रास्ता दिखाओगे हम चलेंगे और हमारे लिए कोई भी आदेश हो तो हम आपके साथ खड़े हैं। मेरे को वाकई बड़ी खुशी हुई